हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 31 के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि फाल्कन काफी रफ्तार में गायब होते हुए यूनिवो के पास आ जाता है। फाल्कन यूनिवो पे एक जोरदार हमला कर देता है जिसके कारण यूनिवो काफी जाकर दूर जाकर फेंका जाती है, लेकिन सही समय पर डीमन लॉर्ड काफी रफ्तार में यूनिवो का आकर पकड़ लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि फाल्कन जैसे अपने कपड़े को हटाता है वो रोमा जेंगो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन सभी को लगता है कि फाल्कन एक लड़की है लेकिन फाल्कन एक लड़का है। फाल्कन को देखते हुए डीमन लॉर्ड यूनिवो को नीचे गिराते हुए कहते हैं कि इसके बारे में मुझे पहले से ही पता था। जेंगो अपने पिछले हमले के बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, मेरा सबसे खतरनाक वेपन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, मैं टीम में लूजर के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। हमें फाल्कन का सीन दिखला जाता है, फाल्कन चिल्लाते हुए कहता है कि लूजर। लियाना ऊपर से कहता है कि फाल्कन हमें जाने का समय आ गया, हमें जल्दी से जल्दी अंतिम दौर को पार करना है। ये सभी बातें सुनने के बाद फाल्कन और डीमन लॉर्ड जैसे ही ऊपर देखते हैं, लियाना काफी ज्यादा गुस्से में फाल्कन से कहता है कि अगर तुम हम दोनों के समझौते के बारे में भूले नहीं हो तो तुम समय को बर्बाद मत करो। लियाना की सभी बातें सुनने के बाद फाल्कन वहीं पर अंगड़ाई लेना शुरू कर देता है। फाल्कन को अंगड़ाई लेता हुआ देखकर यूनिवो, रोमा, जेंगो, जेयू, डीमन लॉर्ड काफी अजीब चेहरा बनाते हुए फाल्कन की तरफ देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि सोंग भाई टीवी स्क्रीन से सभी को अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि सभी प्लेयर मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं अपनी बातों को एक ही बार ही कहूंगा। अब विरासत की लड़ाई का अंतिम दौर शुरू होता है। जो सबसे पहले खिलाड़ी पहाड़ी चोटी पर पहुंचेगा वो अगला किला मास्टर होगा। फाल्कन ये सभी बातें सुनने के बाद फाल्कन क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि ये तो एक अच्छा कारण है ना। ये सभी बातें कहने के बाद फाल्कन यूनिवो, रोमा, डीमन लॉर्ड की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि फाल्कन डीमन लॉर्ड पे एक जोरदार लात मार देता है जिसके कारण डीमन लॉर्ड काफी जाकर दूर जाकर फेंका जाता है। फाल्कन कहता है कि तुम इन सभी को बचाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड जैसे दीवार में टकराता है, वह काफी ज्यादा घबराते हुए डीमन लॉर्ड के पास आते हुए कहती है कि जेयू। सोंग भाई वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, जो प्लेयर एक घंटे के अंदर पहाड़ी चोटी पे नहीं पहुँचता उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ये सभी बातें सुनने के बाद फाल्कन डीमन लॉर्ड से कहता है कि चलो लड़के तुम अपनी शक्तियों को दिखलाओ। वो डीमन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हुए अपने मन में कहती है कि फाल्कन क्या अपने अंतिम चरण में है। लॉर्ड चलाते हुए यूनिवो से कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम पहाड़ी चोटी के लिए निकलो। वो कहती है कि लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। हमें दिखाया जाता है कि यूनिवो के बगल से फाल्कन काफी रफ्तार में डीमन लॉर्ड की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फाल्कन को काफी रफ्तार में आगे बढ़ता हुआ देखकर रोमा काफी ज्यादा चौंक जाती है। रोमा डीमन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। डीमन लॉर्ड चलाते हुए यूनिवो से कहता है कि यूनिवो तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास जादुई पत्थर, मैं इसे संभाल लूंगा। ये सही बातें सुनने के बाद यूनिवो जियांगो को उठाते हुए वहां से भागते हुए कहती है कि ठीक है। यूनिवो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि जेयू ठीक रहेगा क्योंकि उसके पास मेरी टीचर की आध्यात्मिक ऊर्जा वाला जादुई पत्थर है। हमें उसके बाद डीमन लॉर्ड और रोमा का सीन दिखाया जाता है। रोमा अपने मन में सोचते हुए कहती है कि अगर जेयू ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा वाला पत्थर का इस्तेमाल करता है तो वो मर जाएगा। डीमन लॉर्ड फाल्कन को काफी रफ्तार में अपने पास आता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड चलाते हुए कहता है कि रोमा तुम यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाओ। रोमा अपना सर हिलाते हुए कहती है कि नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है, अगर तुम जादुई पत्थर का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो तुम मर जाओगे। यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है रोमा, मैं सावधान रहूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। रोमा कहती है कि लेकिन हमें दिखाया जाता है कि रोमा की सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड रोमा को किस कर लेता है। जेयू को किस करता हुआ देखकर रोमा काफी ज्यादा शर्मा जाती है। हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड रोमा को धक्का देते हुए कहता है कि रोमा तुम यहाँ से निकल जाओ। रोमा चलाते हुए कहती है कि जेयू कि फाल्कन काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि फाल्कन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमन लॉर्ड पर हमला कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फाल्कन के हमले के कारण डीमन लॉर्ड पहाड़ से नीचे गिर जाता है। डीमन लॉर्ड को नीचे गिरता हुआ देखकर रोमा चलाते हुए कहती है कि जेयू। हमें जेंगो का सीन दिखाया जाता है। जेंगो चलाते हुए कहती है कि हनी। फाल्कन काफी रफ्तार में पहाड़ से नीचे जाते हुए कहता है कि तुम नाटक करना बंद करो, तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो लेकिन तुम कमजोर का नाटक क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम मुझे दिखलाओ अपनी पावर के बारे में। दूसरे सीन में यूनिवो और जेंगो का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों वहाँ से भागे रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर लियाना आते हुए कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है। लियाना अपनी देवी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी मेरे बारे में भूल चुके हो, सबसे पहले मैं तुम सभी से निपटूंगा, तब उसके बाद मैं उस लड़के कल्टीवेटर से निपटूंगा। लियाना ये सभी बातें कहने के बाद लियाना अपनी चुटकी बजाते हुए सारी देवी हथियारों को यूनिवो पर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। यूनिवो देवी हथियारों को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती है। हमें जेंगो का सीन दिखाया जाता है। जेंगो चिल्लाते हुए कहती है कि लेकिन मुझे यहाँ से जान दो। जाता कि देवी हथियार यूनिवो और जेंगो पर लगने वाले होते हैं लेकिन वहाँ पर आइस की सील डाकर बन जाती है। लियाना काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरे हमले को किसने रोका। यूनिवो कहती है कि ये तो आइस का शील्ड है, इसका शील्ड बनाने वाला और कोई नहीं रोमा होती है। हमें बताया जाता है कि रोमा आइस फाइनल स्टेज पर आ चुकी है। रोमा कहती है कि यूनिवो तुम पहाड़ी चोटी के लिए आगे बढ़ो, इसको मुझ पर छोड़ दो। रोमा की सभी बातें सुनने के बाद यूनिवो जेंगो को उठाते हुए वहां से जाते हुए कहती है कि सावधान रहना रोमा। यूनिवो अपने मन में कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रोमा कभी भी जोखिम नहीं लेती लेकिन वो अचानक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों कर रही है, वो अपने से ताकत वाला व्यक्ति से क्यों लड़ रही है।
दिखाया जाता है कि लियानो अपने देवी हथियार का इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्स पर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। लियानो कहता है कि क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। लियानो का देवी हथियार यूनिवर्स पर लगने वाला होता है, लेकिन रोमा के आइस मैजिक के कारण यूनिवर्स बच जाती है। यूनिवर्स कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, सबसे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। लियानो कहता है कि क्या वो लड़का कल्टीवेटर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लियानो अपने मन में कहता है कि ने मेरे दूर के हमले को आइस मैजिक से ब्लॉक करने में कामयाब रही, मुझे उससे डील करनी होगी। लियानो रोमा से कहता है कि चिंता मत करो, उस लड़के कल्टीवेटर बॉयफ्रेंड को मैं ही मारूंगा। लियानो की सभी बातें सुनने के बाद रोमा काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें दिखाया जाता है कि रोमा अपने आइस मैजिक से लियानो पर हमला कर दे। हमें दूसरी तरफ लियानो का सीन दिखाया जाता है, लियानो अपनी देवी हथियारों से रोमा पर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। हमें दिखाया जाता है कि हथियार और आइस मैजिक जैसे ही टकराते हैं वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। दूसरी तरफ बाकी प्लेयरों का सीन दिखाया जाता है, वो सभी कहते हैं कि अंतिम लड़ाई शुरू हो गई है। हमें दिखाया जाता है कि आसमान में पूरी तरह से काले बादल हो जाते हैं, वहाँ पर बिजली चमक रही होती है। डेमोलिड ऊपर देखते हुए कहता है कि विरासत की लड़ाई की प्रतियोगिता कहानी से पूरी तरह से लगे, क्या यह सभी चीज तुम्हारी वजह से हुआ है। यह सभी बातें कहने के बाद डेमोलोड जैसे पीछे पलट के देखते हैं, लियानो ने फाल्कन को गर्दन पकड़ कर उठाई होती है। डेमोलोड कहता है कि तुम एक नए कैरेक्टर हो, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा है। फाल्कन काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि तुम वही हो जिसकी मैं तलाश कर रही थी। यह सभी बातें सुनने के बाद डेमोलोड काफी ज्यादा घबरा जाता है, कहता है कि लेकिन तुम मुझे क्यों खोज रहे हो। फाल्कन शर्माते हुए कहता है कि क्योंकि तुम मजबूत हो और मेरा शरीर तुम्हारे लिए तरसता है। फाल्कन की ऐसी बातें सुनने के बाद कियाना काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम हमारे डेमन लॉर्ड योहोवा को अशुद्ध करने की बातों को कैसे कह सकते हो, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगी। डेमन लॉर्ड ये सभी चीजों को दूर से देख रहा होता है। डेमन लॉर्ड कहता है कि तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो। डेमन लॉर्ड मन में कहता है कि मेरी डिमोनिक कल्टीवेटिंग शक्ति को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये सभी बातें सोचने के बाद हमें फाल्कन वहीं पर हंसने लगता है। फाल्कन का हंसता हुआ देखकर कियाना चौंकते हुए कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। फाल्कन कहता है कि इसलिए कि हर कोई मुझसे यह मूर्खतापूर्ण प्रश्न क्यों पूछता है। ये सभी बातें करने के बाद फाल्कन कियाना का हाथ तोड़ने वाला होता है, लेकिन कियाना फाल्कन से दूर हट जाती है। फाल्कन काफी ज्यादा गुस्से में क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि यह जानना जरूरी नहीं है कि तुम कहां से आए हो और तुम कहां पर रहते हो, यह जानना चाहिए कि तुम यहां पर क्यों आए हो। यह सभी बातें कहने के बाद फाल्कन काफी रफ्तार में आगे बढ़ते हुए डेमोलॉर्ड पर हमला करते हुए कहता है कि मैं यहां पर केवल तुम्हें मारने आया हूं। फाल्कन की सभी बातें सुनने के बाद डेमोलॉर्ड मुस्कुराने लगते हैं। फाल्कन जैसे डेमोलॉर्ड के एक इंच की दूरी पर आता है, वहां पर कियाना आते हुए फाल्कन को एक जोरदार पूंछ मारती है, जिसके कारण फाल्कन दूर जाकर फेंका जाता है। डेमोलॉर्ड ये सभी चीजों को देखने के बाद डेमोलॉर्ड मुस्कुराने लगते हैं। कियाना डेमोलॉर्ड के पास आते हुए कहती है कि तुमने मेरे महान दानव भगवान के सामने शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम्हें इसे अपने जीवन से चुकाना होगा। हमें फाल्कन का सीन दिखाया जाता है, फाल्कन उठते हुए क्रीपी स्माइल देते हुए हंस रहा होता है। हंसते हुए डेमोलॉर्ड के पास बढ़ रहा होता है। डेमोलॉर्ड के पास बढ़ता हुआ देखकर कियाना फाल्कन को एक जोरदार पंजा मारती है, जिसके कारण फाल्कन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि फाल्कन कियाना को जैसे ही घूर कर देखता है, कियाना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कियाना फाल्कन पर हमला कर देती है। फाल्कन केवल कियाना के हमले को डोज कर रहा होता है। कियाना अपने विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जोर से घूमने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि कियाना फाल्कन को एक जोरदार लात मारती है, जिसके कारण फाल्कन कियाना के हमले के कारण फाल्कन अपनी बॉडी को संभालते हुए वहीं पर खड़ा हो जाता है। फाल्कन कियाना को देखते हुए हंसने लगता है। डेमोलॉर्ड अपने मन में कहता है कि ये पूरी तरह से पागल है, यह सिस्टम का बग है, आदमी का अस्तित्व पूरी तरह से गलत है, मुझे इस बग को ठीक करना होगा, नहीं तो कहानी पूरी तरह से बदल जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि डेमोलॉर्ड कियाना के साथ माइंड कनेक्ट करते हुए कहता है कि कियान हाँ। ये सभी बातें सुनने के बाद कियाना कहती है कि हाँ जी माई लॉर्ड। डेमोलॉर्ड कियाना से कहता है कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस लड़के को मार दो। डेमोलॉर्ड की ये सभी बातें सुनने के बाद कियाना काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है कि जैसे कि आप आज्ञा देते हैं माय लॉर्ड। हमें दिखाई देता है कियाना फाल्कन पर हमला कर देती है। डेमोलॉर्ड वहां से जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कियाना का कल्टीवेटिंग फाल्कन का कल्टीवेटिंग का कोई भी मुकाबला नहीं है, कियाना इसे आराम से मार देगी। डेमोलॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद डेमोलॉर्ड आसमान की तरफ देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि डेमोलॉर्ड किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि डेमोलॉर्ड के पीछे एक जोरदार धमाका होता है। जैसे पीछे पलट के देखता है, हमें दिखाया जाता है कि कियाना उस धमाके से निकलते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस आदमी ने मेरे साथ लड़ाई करते समय उसने मेरी सारी ऊर्जा को खींच लिया। फाल्कन उस धुएं में से निकलते हुए ब्लैक थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए कियाना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कियाना काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहती है कि वो अपने अंतिम चरण में है, मैं इसके ब्लैक थंडर पावर का चकमा नहीं दे सकती, मुझे अपनी पूछ का त्याग करना होगा। फाल्कन कियाना पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वहां पर किसी का हाथ आकर ब्लैक थंडर पावर को रोक लेता है। वह और कोई नहीं डेमन लॉर्ड होता है। डेमन लॉर्ड अपने असली रूप में होता है। कियाना डेमन लॉर्ड को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती है। डेमन लॉर्ड ब्लैक थंडर पावर को उसी की तरफ फेंक देता है। फाल्कन कैसे न कैसे उस ब्लैक थंडर पावर से बच जाता है। एक थंडर पावर जैसे ही जमीन में टकराता है, वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण सभी टीचर उस धमाके के कारण काफी ज्यादा चौंक और घबरा जाते हैं। वो कहते हैं क्या ये डेमन लॉर्ड है। वो भी उस धमाके के कारण काफी ज्यादा सहम और घबरा जाती है। वो अपने मन में कहती है क्या डेमन लॉर्ड आ चुका है।
हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड काफी बड़े ब्लैक थंडर पावर को क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही ज्यादा माहौल खराब होने लगता है। फाल्कन डीमन लॉर्ड को ऐसा करता हुआ देखकर फाल्कन काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसी मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में पता चलेगा कि फाल्कन डीमन लॉर्ड के हमले के कारण बच पाता है कि नहीं।